कितने लोग जो पिछले दो सप्ताह से मैंने आपको समझाया था मनन करना बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, मनन करने के फायदे है ना, कितने लोगों को समझ में आ रहा है और कितने लोग आशीष पा रहे हैं इस वचन के द्वारा। हालेलुया, सब लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है तो जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस संसार में आवाजें बहुत आती हैं, आवाज कई प्रकार की आवाजें आ रही हैं। आवाज आ रही है बाहर वालों की, आवाज आ रही है बाहर वालों की, हालेलुया, और आवाज आ रही है अपने अंदर की, आवाज आ रही है पुराने विचारों की भी, आवाज आ रही है पुरानी बातें हमें छोड़ नहीं रही है। हालेलुया। मैंने कहानी बताया था कि एक आदमी एक नदी में कूद गया क्योंकि उसने देखा कि कंबल बह रहा है। क्या क्या बह रहा है? कंबल बह रहा है। तो दूसरे ने कहा भाई देखो कंबल बह रहा है, तो उसने जंप लगा दिया और कंबल को पकड़ लिया। पर प्रॉब्लम ये था कि वो बाहर नहीं निकल रहा था, तो दूसरे आदमी ने आवाज निकाल लगाया, भाई जल्दी आ जाओ, कंबल अंबर छोड़ दो तुम आ जाओ। कह रहे बात ये है कि मैं आना तो चाहता हूं लेकिन कंबल मुझे छोड़ता नहीं है। एक्चुअली हुआ था कि भालू तैर रहा था, उसमें जा रहा था, उसने सोचा कंबल है। जैसे उसने उसके पास गया तो भालू ने उसको पकड़, मतलब बाहर तो निकलना चाह रहा है पर वो भालू उसको बाहर निकलने। कई बार हम सब बाहर निकलना चाह रहे हैं पुरानी बातों से, पुरानी गंदगी से, पुराने विचारों से, पुरानी आदतों से, लेकिन वो कंबल तो छोड़ ही नहीं रहा है ना। पुरानी आवाजें लोगों को डरा रही है, वो पहले वाली आवाजें जो चीखने चिल्लाने की आवाज, पायल की आवाज, चूड़ियों की आवाज लोगों के कानों में आता था, वो जो है अभी भी लोगों को डरा रही है, वो अभी भी लोगों को परेशान कर रही है, वो अभी भी लोगों को छोड़ती नहीं है, पुराने विचार नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में कैसे प्रभु से कनेक्शन बन पाएगा? हालेलुया। ऐसे में कैसे प्रभु से बातें कर पाएंगे? ऐसे में कैसे प्रभु से हम कनेक्ट हो पाएंगे? इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उन आवाजों से, उन पुरानी बातों से, उन सारे गंदगी से जिसमें हम पड़े थे, पड़े हैं, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तभी काम होगा, वरना काम होने वाला ये ऐसा नहीं है। आप एक राज दरबार में जाते हैं, राजा के पास जाते हैं और आप क्या, आप ऐसे ही वस्त्र पहन के नहीं चले जाते, आप अच्छे वस्त्र पहन के जाते हैं क्योंकि आप राज दरबार में जा रहे हैं, क्योंकि आप मंत्री से मिलने जा रहे हैं। पंकज भाई को पता होगा जब किसी मंत्री के घर में जाते होंगे तो फिर मन में क्या क्या चलता होगा, कैसे पहने, क्या सोचे, क्या करे, मंत्री को क्या देंगे, ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मंत्री जी को कौन सा गिफ्ट देंगे ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने पंकज भाई का देखा था एक फोटो, जो मंत्री जी के घर गए हैं, और जो कि मंत्री थे ना पहले, उनके घर गए हैं तो एक बड़ा सा टोकरा भी लेकर गए हैं, क्योंकि मंत्री जी के घर गए हैं तो ऐसे खाली हाथ कैसे चले जाए। हालेलुया। अगर प्रधानमंत्री जी के घर जाना हो तो और ज्यादा सोचना पड़ेगा, और कपड़े का सोचना पड़ेगा, जूते का भी सोचना पड़ेगा, और अपने मन का भी सोचना पड़ेगा, और गिफ्ट का भी सोचना पड़ेगा। कुछ तो भयानक काम करना है, कुछ दमदार गिफ्ट देना है ताकि याद रखें प्रधानमंत्री जी कि कोई मिलने आया था। लेकिन राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलने के लिए आपकी तैयारी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या आप तैयार नहीं अपने आप को कर सकते? उससे मिलने के लिए भी आपको अपनी
तैयारी करना बहुत जरूरी है। पर हम परमेश्वर को शायद इतना हल्का ले लेते हैं कि दूसरे लोगों को ज्यादा ज्यादा वैल्यू देते। हालेलुया, कहते परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब बीमार हो जाते हैं, जब परेशान हो जाते हैं, जब दुखी हो जाते हैं, तो जो नहीं दिखाई देता है सबसे पहले उसी को याद करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते हैं? जब ठीक रहते हैं तो मनुष्य को याद करते हैं, जब बीमार पड़ते हैं, परेशानी में आते हैं, दुख में आते हैं, मुसीबत में आते हैं, तो परमेश्वर को याद करते हैं। हालेलुया। आंटी जब भी गवाही देने आती है तो कहती है तुम याद करो सब भाइयों, ये गाना कहती है, ये सुने क्या क्या किया है ना, क्यों याद करो कि उसने आपके लिए क्या क्या किया है, चाहे आपकी जरूरत पड़े या ना पड़े, उस खुदावन को याद करना बहुत जरूरी है, उस परमेश्वर को याद करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, बोल प्रभु यीशु मसीह के। अगर आप याद करते हो उस खुदावन को तो वो जरूर आपको ब्लस करेगा। लेकिन कनेक्ट कैसे हो? कई बार मैं घरों में जाता हूं तो अलग अलग मेरे पास प्रत्युत्तर आते हैं, भैया हम प्रभु से बड़ा प्यार करते हैं, तो हम कहते हैं चर्च क्यों नहीं आते हैं? टाइम दे मिलता। हालेलुया, भैया हम लोग सुबह में प्रार्थना करके जाते हैं, तो अच्छा भवन में क्यों नहीं आते हैं? टाइम नहीं मिलता। मैं आपको बता दूं, जिस दिन आप बीमार हो जाओगे, जिस दिन आप परेशान में हो जाओगे, जिस दिन आप समस्या में आ जाओगे, उस दिन सब कुछ करना पड़ेगा, सब छोड़ छाड़ कर भवन में आ जाओगे। आओगे कि नहीं? आना पड़ता है, है ना। किसी किसी गीतकार ने इस प्रकार से कहा कि तुमको आना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा। हालेलुया, और भाग कर जाओगे कहां? आना तो वही है, आना तो वही है। लेकिन जो लोग उसके साथ चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो बढ़ते चले जाते 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 हैं। कुछ लोग ब्रेक मार देते हैं, क्या कर देते हैं? ठहर जाते हैं, फिर इसके बाद याद आता है नहीं, अब प्रभु के साथ चलना है, फिर प्रभु के साथ चलते हैं तो देरी हो जाती है। क्या हो जाती है? अब मान लीजिए यहाँ आप खानपुर से बैठे और आपको जाना है इंडिया गेट, आपने कहा कोई बात नहीं तीसरी वाली बस पकड़ लेंगे, तो जिसने पहली वाली बस पकड़ी है वो पहले पकड़ पहुंच जाएगा। आप पहली दूसरी चौथी पांचवी सब छोड़ते जा रहे हैं, बोले थोड़े बाद में, और सोच रहेंगे आगे पहुंच जाएंगे, नहीं, आपको आगे बैठना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि अगर आप निरंतर चलते रहोगे, रिजल्ट दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर मैं जानता हूं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको दिखाई देने से नहीं, परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहा है, परमेश्वर आपके आपके कदमों को देख रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है। अगर विश्वास का कदम रखते हैं अचानक मिराकल होते हैं। कैसे होते हैं? अचानक 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 चलते चलते मिराकल हो जाते हैं। प्रभु के लोगों के साथ ऐसे ही हुआ, अब्राहम के साथ चलते चलते मिराकल हो गया, चलता रहा, उसको बेटा दिया परमेश्वर ने, धन दिया, संपत्ति दिया, हालेलुया। यीशु चलता रहा, परमेश्वर ने जेल से निकाला, प्रधानमंत्री बना दिया, हालेलुया। दाऊद चलता रहा, चरवाहा से उसको राजा बना दिया, परमेश्वर के लोग चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, और परमेश्वर ने अचानक से उनको ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम यह है कि हम कहते हैं कि तुरंत ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, परमेश्वर कहता है नहीं, चलते रहो, समय आते ही मैं तुमको ऊंचा उठा दूंगा। आपको पता नहीं है कि कब परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल दे, आपको पता नहीं है कब किससे मिलवा दे, आपको पता नहीं है कब परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल दे, आपको पता नहीं है आपके बीमारी के सैयों को उलट कर कब आपको खड़ा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। 38 साल का व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं था,
जो बीमार था 38 साल से बीमार था, उसको कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कोई चंगा भी कर पाएगा, वो कोई आइडिया नहीं था कि मुझे उठाकर कोई जल में भी डाल सकता है, क्योंकि मैं उठने की कोशिश करता हूं उससे पहले दूसरा व्यक्ति जंप लगा देता है और वो चंगा हो जाता है। लेकिन खुदाबंद को याद कर रहा था, परमेश्वर को पुकार रहा था, ए परमेश्वर मुझ पर दया कर दे, मैं तो उठ नहीं सकता, मैं तो चल नहीं सकता, 38 साल से बीमार हूं, पर केवल तुझ पर मैंने मन लगाया है, केवल तेरी ओर देख रहा हूं, ना तो मेरा रिश्तेदार ध्यान दे रहे हैं, ना तो मेरे घर वाले ध्यान दे रहे हैं, करे मर जाए कोई बात नहीं, अब तो खुदा ही इसका सहारा है, अब तो परमेश्वर ही इसके लिए रास्ता निकालेगा। हमने तो बहुत कर लिया, हमने बड़ी मेहनत कर ली, हमने बड़े पैसे लगा लिए, हमने बहुत जगह दर दर ठोकरें खाई है, अब तो ऊपर वाला ही इसका कुछ कर पाएगा, और छोड़ दिए बेसदा के कुंड के पास, सालों साल सालों साल सालों साल सालों साल, वो खुदा कब आएगा, परमेश्वर कैसे करेगा, परमेश्वर करना ही पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा वहां हजारों बीमार हैं, मैं केवल तेरे लिए आऊंगा। हालेलुया हालेलुया। हजारों बीमार थे, यीशु मसीह आया और किसी के पास नहीं गया। हजारों बीमार थे, यीशु मसीह आया, किसी से बात नहीं किया। हजारों बीमार थे, यीशु मसीह आया और किसी को चंगा नहीं किया। 38 साल के रोगी को कहता है, हालेलुया, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 38 साल से पुकार रहा हूँ। मेरे लोगों ने शुरू में साथ दिया था, मेरे लोगों ने शुरू में मेरे साथ खड़े थे, मेरे घर वाले खड़े थे, पैसे लगाए, उन्होंने दर दर मेरे साथ साथ गए, लेकर गए, लेकिन अब उन्होंने साथ छोड़ दिया है, उन्होंने साथ। मैं कहता हूं आपकी समस्या में आपके दोस्त साथ छोड़ दे, मैं कहता हूं आपकी परेशानी में अपने साथ छोड़ दे, लेकिन अगर खुदा को पुकार रहे हो दुनिया को छोड़कर, खुदा आपके पास आएगा आपकी समस्या को दूर करने के लिए, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक ही व्यक्ति को चंगा किया और वहां से चल दिया। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि खुदा खुद आपके पास आकर बोले, हालेलुया, तू क्या चाहता है मेरे बेटे, तू क्या चाहता है मेरी बेटी? हालेलुया। एक तरीका है, कुछ काम आपको निरंतर करने पड़ेंगे, कुछ काम आपको निरंतर करने पड़ेंगे, तभी अपने विश्वास को दिखा पाओगे। आप निरंतर भवन जाओगे, अपने विश्वास को दिखाओगे, परमेश्वर मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप निरंतर स्तुति महिमा करोगे, प्रार्थना करोगे और दिखाओगे, खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूं। अपने दान भेंट स्वांस को देगे और बताओगे, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। परमेश्वर कहेगा, मैंने तुझसे ज्यादा प्यार किया है। हालेलुया। मैंने तेरे लिए अपनी जान दे दी है, मैंने तुझसे ज्यादा प्यार किया है मेरे बेटे, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। जिस हालत में है, जिस परिस्थिति में है, जिस गड्ढे में पड़ा हुआ है यूसुफ, मैं तुझे निकालूंगा इस गड्ढे से। जिस जेल में पड़ा हुआ है यूसुफ, मैं निकालूंगा उस जेल से और मैं तुझे ऊंचा जरूर करूंगा। हालेलुया हालेलुया। फुटबॉल को आप पानी में जितना दबाओ, जब फुटबॉल देखते हैं ना, आप जितना दबाओ फुटबॉल को, जैसे छोड़ोगे तब वो उछलेगा। संसार, बीमारियां, परेशानियां, शैतान आपको कितना भी दबाने की कोशिश करे, यीशु साथ है तो आप जरूर उछलोगे, आप जरूर ऊंचाइयों पर जाओगे, आप जरूर ऊंचाइयों पर खड़े होंगे, क्योंकि किसी की मजाल नहीं, किसी दुष्टात्मा, किसी व्यक्ति, किसी चीज की मजाल नहीं है कि आपको मार दे, आपको नाश कर दे, आपको गिरा दे, क्योंकि खुदा आपके लिए खुद जंग लड़ने के लिए खड़ा है, वो खुद आपके लिए खड़ा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, अपनी तैयारियों को, अपनी तैयारियों को करते रहो, करते रहो, करते रहो,
थको मत, थको यो राबाला बस सिखंदर है, थको मत मेरे प्रियो। अगर आप तैयार हो तो फल जरूर लाओगे, आप तैयार हो तो फल जरूर लाओगे, क्योंकि खुदावन फल रहित, जिसमें फल नहीं लगता है उसको पसंद नहीं करता, उसको पसंद नहीं करता, उसको पसंद करता है जो फल लाता है। हालेलुया। और यीशु ने कहा जो डाली मुझ में बनी रहती है वो जरूर फल लाती है। हालेलुया। लोग कहेंगे निकारा, नकम्मा, पता नहीं क्या क्या, लेकिन आप यीशु में बने हो, फल जरूर लाओगे, जरूर लाओगे, जरूर लाओगे। वही लोग देखेंगे और कहेंगे वाओ, परमेश्वर ने कैसा अद्भुत काम कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग कहेंगे कैसा अद्भुत काम कर दिया, पर प्रॉब्लम है कनेक्शन में। कहां प्रॉब्लम है? कनेक्शन प्रॉब्लम है, कनेक्ट ही नहीं होते हैं, कनेक्ट ही नहीं होते हैं, कनेक्ट ही नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी आवाजें, बहुत सारी बातें जो संसार की है हमारे अंदर आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, इसके कारण हम कनेक्ट नहीं हो पाते। जब कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो हम उससे प्रॉपर बात भी नहीं कर पाते। कितने लोग प्रार्थना करते हैं अपनी चिंताओं में, अपने घर की परेशानियों में डूब कर, उसी में खो कर, प्रभु कुछ करेगा, फिर उधर मन चल रहा है नहीं होगा, फिर उधर कह रहा है उसके पास चला जाऊंगा, फिर मन कह रहा है नहीं मैं ऐसा कर लूंगा, फिर मन कह रहा है मैं उसको मारूंगा, फिर मन कह रहा है ये, और इधर प्रार्थना कर रहे, क्या कर रहे भैया? हम बहुत प्रार्थना करते हैं, सच में कर रहे, देखिए पता नहीं क्या क्या कर रहे, प्रार्थना उधर कर रहे हैं और मेडिटेशन कहीं और कर रहे हैं, प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं और मनन कहीं और कर रहे हैं। आपका कनेक्शन कैसे बनेगा भैया? कनेक्शन कैसे बनेगा? यहाँ पे वाईफाई लगा है, आप उधर बाहर चले जाइए, अपना वाईफाई चालू कर लीजिए और आप सोचेंगे कि यहाँ का वाईफाई वहां चल जाए, नहीं चलेगा, आपको पास आना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको खुदा के पास आना ही पड़ेगा, आपको उससे कनेक्ट होना ही पड़ेगा, तब अपनी सारी बातें बताओगे तो वो आपकी बातें सुनेगा, आपकी बातें सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दो दिन मैंने, दो संडे आपको बताया था बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, आज कुछ बातें बताकर हम प्रैक्टिकल बातें बताकर समाप्त करेंगे। इसहाक उत्पत्ति की पुस्तक में 24 और उसका 63 पद। आप मनन के द्वारा अपने टीचरों से भी ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं, आपका टीचर भी कहेगा यार ये मेरे से पहले जान लेता है सारी चीजें। हालेलुया। इतने लोग चाहते हैं कि आपके बॉस से भी आपका दिमाग तेज हो, प्रभु करेगा आपका दिमाग तेज। कितने लोग चाहते हैं कि आपके टीचर कहे वाह भाई तू तो ये सवाल जानता है मुझे भी नहीं पता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हो सकता है और संभव है। पढ़ेंगे इसहाक क्या करता था, उत्पत्ति उसके 24 के 63 में। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। हाँ, देखिए सांझ के समय में इसहाक जो है ध्यान करने के लिए निकला था। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। बस इतने ही। सांझ के समय में इसहाक ध्यान करने निकला था। क्या करने निकला था? बोलिए ध्यान करने। ध्यान को बोलते हैं मेडिटेशन। क्या बोलते हैं? बोलिए सांझ के समय इसहाक मनन करने निकला था। ओ कहाँ निकल गए भैया, घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? मैंने एक बार प्रचार किया था YouTube पे, आपका वीडियो है, शांत समय एकांत समय प्रभु के साथ, प्रभु के साथ शांत समय और एकांत समय। इसहाक एकांत में, शांत में बाहर निकला था कि वो ध्यान लगाए।
कई बार आप लोग क्या करते हैं, हम लोग भी करते हैं, अभी बच्चे सब सो रहे हैं है ना, इधर हल्ला मचा रहे हैं और उधर मम्मी या पापा या दूसरे लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु आज मेरे से बात करो, और बच्चा उधर ठा ठी भू आवाज निकाल रहा है ना, उधर कह रहा है मम्मी, उधर कह रहा है पापा, उधर कह रहा है ये, कोई रो रहा है, आपका ध्यान नहीं लगेगा, आप कह रहे हो प्रभु बात करो, प्रभु कह रहा है पहले अपनी समस्या सॉल्व करके आ भाई, हालेलुया आवाज ही नहीं बंद हो रही है, आपका मन ही नहीं लग रहा है, एक्चुअली आप प्रभु से बात करना चाह रहे हैं पर आपका मन कहीं और लगा हुआ है, ऐसे में बात नहीं कर सकते हैं, ऐसे में बकवास कर सकते हैं है ना, शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पर मैं बता रहा हूं सच्चाई है, बकवास मतलब ऐसा चाहिए गाड़ी चाहिए घोड़ा चाहिए ये कर दो प्रभु ऐसा कर दो, और इधर मन इधर जा रहा है उधर जा रहा है उधर जा रहा है उधर, आप केवल मुंह से क्या कर रहे हैं बातें बोल रहे हैं, केवल शब्द बोल रहे हो लेकिन आपके अंदर खोखला है। आज कितने ऐसे विश्वासी हैं जो प्रार्थना करते हैं पर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हालेलुया। क्या विश्वासी बकवास कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसका मन कहीं और है, उसका ध्यान कहीं है, उसका कनेक्शन कहीं और है, केवल यीशु से बस बातें कर रहा है, हालेलुया। हमने बहुत प्रार्थना किया पास्टर जी नहीं सुना परमेश्वर, हमने बहुत प्रार्थना किया पास्टर जी परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और रहता था, क्योंकि आपका मन कहीं और लगा रहता था, क्योंकि आप कुछ और सोचते रहते थे, इसलिए यीशु भी जब प्रार्थना करने जाते थे तो वो एकांत में जाते थे। कितने लोग घर्राटे बजाते हैं रात को, कुछ है क्या जब सो रहे हैं, हाँ कोई है वफादारी से उन्होंने बोल दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, तो इधर मान लो बच्चा प्रेयर कर रहा है इधर घर्राटे बज रहे हैं, किधर आवाज जाएगी, आपका मन किधर जाएगा, नहीं जाएगा ना, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हालेलुया। कभी कभी मैं भी बजा देता हूँ हालेलुया। तो सुनिए, बच्चे रो रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, कुछ और हो रहा है, आप प्रेयर करना चाहते हैं, आप प्रेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके कानों में से अजीबो अजीब आवाज आ रही है। इसी हाथ के घर में कौन कौन था बताइए, इस हाथ के घर में कौन कौन था, ए भाई बाइबल पढ़ते हो तो बताओ, इसहाक के घर में कौन कौन था, माता पिता भाई। इसहाक के भाई भी थे, हालेलुया। चलिए भाई कह दिया, मैं मान लिया भाई भी था, हालेलुया। मतलब पांच छह लोग दस लोग होंगे, क्योंकि नौकर चाकर भी थे दास दासियां भी थी, ठीक है। अब घर में सब लोग हैं, आवाज आ रही है, शाम को उसको परमेश्वर से बात करना है, टेंट में बैठकर सोच रहा है बात करूं, तब तक मैं उधर घोड़े की आवाज आ रही है, तभी उधर खच्चर की आवाज आ रही है, तभी वो गाय की आवाज आ रही है, तभी उधर से नौकर कह रहा है इधर आओ, अब भेड़ की आवाज आ रही है, वो भेड़ को बुला रहा है ना। अब इसहाक सोच रहा है करूं तो करूं क्या, यहां मेरा परमेश्वर से बात नहीं हो सकता है, निकलो यहां से, तो वो वहां से निकल कर एकांत में परमेश्वर पर ध्यान लगाने गए। हालेलुया, ध्यान लगाने गया परमेश्वर से। जब वो ध्यान लगाने गया तो सुनिए क्या हुआ, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक बार लिखा है ध्यान लगाने गया, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि इसहाक रोज शाम को या सुबह में एकांत में जाकर परमेश्वर से ध्यान लगाता था, परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर की बातें सुनता था, तभी तो उनको पता था ना क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम तो वो काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए,
कई बार परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ काम करते हैं क्योंकि वो काम मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमने आवाज ही नहीं सुनी ना। हालेलुया। बड़े मजे की कहानी बता रहा हूं। पहले मैं बड़ी बड़ी चीजों के लिए परमेश्वर से पूछता था क्या करना चाहिए। फिर एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, बड़ी बड़ी नहीं, हर छोटी से छोटी चीज के लिए मुझसे पूछना है। एक घटना के द्वारा मैं बड़ी काम करने और कुछ करने जाता था तो उससे परमेश्वर से अगुवाई लेता, प्रभु क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं कीबोर्ड बनवाने गया था, कुछ दिन पहले की बात है, कीबोर्ड बनवाने गया। तो यहां से दरियागंज गया, मतलब 15 किलोमीटर तो होगा ही, ज्यादा भी हो सकता है। तो मैं और मिशु दोनों हम गए थे वहां पे। तो दरियागंज उसको देकर आए 1500 रुपए। अंकल ने बोल दिया चाहे कुछ भी हो 1500 रुपए देना पड़ेगा। मैंने कहा सर चलो भाई बना दो। अंकल ने बनाकर चेक कर लो बेटा, अच्छे से चेक कर लेना, सब बजा लेना। मैंने कहा सब कुछ बजा के चेक करूंगा तब ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है अंकल, वो ले जाओ। मैं ले आया। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मेरी वाइफ थी चर्च में, कह रही है एक बार बजा कर देखो। हमने कहा अच्छा अच्छी बात है भाई, बजा कर देखते हैं। हमने जैसे ही बजाया तो कुछ भी आवाज नहीं है। मैंने कहा यार एक दो बार और चेक करते हैं, इधर नहीं लगा तो उधर लगा के देखते हैं। बहुत बार हमने चेक किया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, बहुत बार चेक किया आवाज ही ना आए। मैंने कहा ये तो वही समस्या है। पर कुसुम वो अंकल तो बजा के ही दिए थे, ऐसा भी नहीं कि पैक करके दे दिए तो हम कहे कि भाई नहीं बनाया था उन्होंने। उन्होंने चेक करा के दिया, बोले अच्छे से चेक करके ले जाओ। तो मैं तो खुद चेक किया हूं इसे मुझे पता है कि वो बज रहा था। मैंने उस अंकल को फोन किया, अंकल बोले ठीक है कल सुबह 11 बजे लेकर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। सुबह सुबह मैं उठा और तैयार होके, पेट्रोल भी गाड़ी में ज्यादा नहीं था, फिर मैंने कहा प्रभु तू पेट्रोल पंप तक पहुंचा देना। और फिर पेट्रोल भराया वहां से दरियागंज। 11:30 बजे में दरियागंज पहुंच गया। अंकल देख के मुस्कुरा दिए, आओ आओ। इनका तो जो उनका काम करता उसको बोले देखो इनका काम नहीं कर रहा है, बोले अपना अडॉप्टर लाओ। जैसे मैंने अडॉप्टर दिया और उन्होंने लगाया और जैसे उसने की दवाई बजने लगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा कठोर सी बात है, हमने तो घंटों मेहनत किया, जो अभी टाइम लगाया कुछ नहीं हुआ और यहाँ तो तुरंत। मैंने कहा अंकल आपके हाथों में क्या है, जादू तो नहीं करते हो तुम? कि यहाँ पर कोई जादू तो नहीं है कि तुम प्लग में लगाए और बजने लगा? और हम तो इतनी कोशिश कर रहे थे। बोले आप चेक कर लीजिए, आप अगर कुछ भी फॉल्ट हो मैं बना दूंगा। मैंने बहुत चेक किया, सब अच्छा बजा, मैं आ गया। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतना दूर क्यों आपने दौड़ाया? मेरे अंदर एक आवाज आई, क्या बनवाने जाने से पहले पूछा था कि मैं इधर बनवाऊं कि वहां बनवाऊं? हालेलुया। मैंने कहा तो प्रभु? बोले अब से ना चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात मेरे से पूछ लिया कर। आमीन हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब हम कितने ऐसे काम करते हैं जिसको हम प्रभु से पूछते भी नहीं है। हालेलुया। एक बार मैंने प्रचार किया था परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के वस्त्र प्रचार किया था ना, तो मैंने उसमें बताया था कि आप कहीं बैठते भी हैं तो आप धन्यवाद करके बैठे, आप सैलून में जाते हैं उसकी चेयर पर बैठते हैं तो धन्यवाद करके उसे को उस जगह पर बैठे, क्योंकि हजारों लोग दुष्ट लोग निकम्मे लोग व्यभिचारी लोग मर्डर करने वाले सब उस चेयर पर बैठ के जाते हैं और उनका प्रभाव उस पर आ जाता है। आप जब बैठो तो आप प्रार्थना करो, यीशु के लहू में इस चेयर को ढांप देता हूं, पवित्र शुद्ध करता हूं, आप बैठ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो कमर दर्द लेकर आ जाओगे। अरे ब्यूटी पार्लर तक गया था पास्टर जी, पर क्या करूं पास्टर जी वहां पर दर्द हो गए, क्योंकि यहां पर एक औरत आई थी जिसके कमर में दर्द था और उसने अपना दर्द छोड़ के गई और आपको दर्द पकड़ लिया, है कि नहीं? तो यीशु की जरूरत कितनी है? बहुत ज्यादा है। पर हम क्या करते हैं, यीशु को तभी पूछते हैं जब बड़ा बड़ा काम होता है,
कोई विवाह हो, कोई फंक्शन हो, कोई बर्थडे हो, कोई ऐसे हो, इसमें भी नहीं पूछते बहुत सारे लोग, पर हम पूछते हैं कि ये काम करना प्रभु बताइए। पर छोटी छोटी बातें क्यों नहीं, हर बात में प्रभु से अगुवाई लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसहाक शाम के समय में मनन करने के लिए निकला कि प्रभु से हर बात अगुवाई करे, इसलिए तो अकाल में जोता बोया। अकाल में सुनिए, अकाल में जब लोग भूखे मर रहे हैं उस समय इसहाक जोत रहा है और बो रहा है। लोग कहेंगे, राजा कहता होगा, पागल तो नहीं हो गया इसहाक, हालेलुया। लोग भी कहते होंगे, मेरे मालिक को क्या हो गया, सारा जो भी खाना पीना बचा था, जो भी गेहूं बचा था, वो तो बो रहा है। और ऐसे अकाल में बाइबल में लिखा है इसहाक ने अकाल में जोता बोया और 100 गुना फल पाया। हालेलुया। इसहाक ये कैसे हो गया, आपने क्या ऐसा कर दिया था? इसहाक बोलेगा, मैंने प्रभु से पूछा था और प्रभु ने मुझे बताया था कि इसी अकाल में तुझे जोतना बोना है, और मैं बताऊंगा कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, अकाल में भी 100 गुना देने वाला परमेश्वर हूं, अकाल में भी 100 गुना देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। चाहे महामारी आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, अगर आप सच्चे हो और परमेश्वर की बातें सुनते हो, उसकी अगुवाई करते हो, अकाल में 100 गुना काटते रहोगे, 100 गुना काटते रहोगे, लोग देखते रहेंगे, आप काटते जाओगे, दुश्मन कहेंगे, माफ कर देना भाई, मैंने आपसे दुश्मनी की थी, माफ कर देना मेरे दोस्त, मैंने तुझे गिराने की कोशिश की थी, माफ कर देना मेरे भाई, मैंने तो तुझे तेरे लिए बहुत सारी जाल बिछा के रखा था, अरे हमने तो देखा कि साक्षात यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया, हमने देख लिया। राजा आकर कहता है, इसहाक आओ हम संधि कर ले, संधि का मतलब मेल मिला, एक वाचा बांध ले कि तेरे लोग हम पर आक्रमण ना करें और हमारे लोग तुझ पर आक्रमण ना करें। हे राजा, राजा इसहाक से डर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राजा और इसहाक से डर रहा है। इसहाक तो कोई बहुत ऐसा नहीं कि लाखों लोग लेकर आ रहा है, पर बाइबल में लिखा है कि उसके पास लोग थे। हालेलुया। जब अब्राहम का भतीजा लूत जब बंधुआई में गया था तो हमें पता चला कि उसके पास लड़ने वाले योद्धा भी थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम ने तैयार किया था, इसका मतलब लोग तैयार थे। राजा को डर लग गया, राजा के पास तो सेना थी भाई, पर राजा को डर लग गया, आओ हम मेल मिलाप कर लेते। एक व्यक्ति 1000 के बराबर हो जाएगा और एक निर्बल से निर्बल जाति एक बड़ी सामर्थ्य जाति बन जाएगी। हालेलुया, एक बड़ी सामर्थ्य जाति बन जाएगी, निर्बल से निर्बल। इसलिए उसने तुच्छों को, इसलिए उसने निकम्मों को, इसलिए उसने बीमारों को, इसलिए उसने गरीबों को, इसलिए उसने छोटों को, इसलिए उसने नीचों को चुन लिया है कि दिखा दे कि मैं परमेश्वर हूं, मैं किसी व्यक्ति को नहीं, मैं कहीं से किसी को कैसे भी उठा सकता हूं। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नहीं आया था, मैं मरने पर था, मेरा पूरा परिवार ये सोच लिया था कि शायद कोई अच्छे दिन नहीं देख पाएंगे, लेकिन यीशु ने कहा, बेटा अच्छे दिन दिखाऊंगा तुमको। हालेलुया। वो बीमारी से, कमजोरी से, दुष्टात्माओं से, गरीबी से, कर्जे से उठाकर खड़ा किया और बताया, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई भी काम कठिन का नहीं। द लॉर्ड, इसहाक तुमने बड़ा काम कर दिया। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, मैं शाम को जाता था और परमेश्वर से पूछता था, प्रभु क्या करूं, परमेश्वर ने कहा जोत बो,
और सौगुण आ गया। हालेलुया। कैसे अगुवाई मिलेगी परमेश्वर की? जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक कैसे अगुवाई मिलेगी आपको? इसहाक कनेक्ट होता था दुनिया के असोर शराबे से। अब कह रहे हैं यहां तो कोई ऐसा जगह ही नहीं है पास्टर जी कि मैं जाऊं। अगर मैं पार्क में भी जाता हूं तो वहां पर सीटी बजा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, ये लेफ्ट राइट कर रहे हैं, कोई हल्ला मचा रहा है, कोई दौड़ रहा है, क्या करे पास्टर? कहां मिले? पहाड़ तो है नहीं कि पहाड़ों में चला जाऊं। पार्क है तो पार्क में लोग घूम रहे हैं। हालेलुया। उधर भी बड़े विचार आते हैं। तो कुछ आइडिया और आपको बताऊंगा कि आप अपने घर पे भी वैसा कर सकते हैं। जबकि हल्ला मच रहा है, शोर हो रहा है तो भी आप कर सकते हैं। कभी किसी दीवाने को देखा है? मतलब प्यार करने वाले लोगों को, हजारों के भीड़ में भी अगर वो बैठ जाए ना तो भी वो हजारों में खो जाता है, हजारों की आवाज उसके कानों में नहीं आती है। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब अगर वो हजार लोगों के भीड़ में बैठ जाए तो वो ऐसा सोचेगा अपने प्रेमी के बारे में कि उधर स्टेज पर क्या हल्ला हो रहा है, उधर क्या हल्ला हो रहा है, कुछ नहीं सुनाई देगा उसको। इसको बोलते एकाग्र मन। गंदे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए, दुष्ट कामों के लिए तो इतना एकाग्र हो जाते हैं, प्रभु के कामों के लिए क्यों नहीं ऐसा कर सकते हम लोग? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप कर सकते हो, हजारों के भीड़ में बैठकर भी आप यीशु से कनेक्ट हो सकते हो जब आप दीवाने हो जाओगे, जब आप दीवाने हो जाओगे। हालेलुया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। हालेलुया। मिलकर गाएंगे हालेलुया, फिर इसके बाद देखेंगे कौन बजाएगा, जल्दी से बजाएंगे। मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, मैं हो गया। खाली बहुत कम बजा, रोटी पका रहे हो। मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। हम सारे लोगों से वो प्यार करता, जो उसे ढूंढता है वो उसे पाता है। हम सारे लोगों से वो प्यार करता है, जो उसे ढूंढता है वो उसे पाता है। तो मेरे दिल में यीशु आ गया, उसी बात में थोड़ा अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, थोड़ा डांस करके हम गाएंगे। जवान बच्चे सामने आ जाएंगे, जो शर्माते नहीं है आगे आ जाएंगे जल्दी से, उस बहने भी सामने आ जाए। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सामने आ जाए, स्टेज पे भी आ जाए जल्दी से। अगर आप नहीं शर्माते हैं तो आ जाए, अगर शर्माते हैं तो मेरे सामने खड़े होके सभी लोग, सभी लोग किसी को ना देखे। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। ओ मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। ओ मेरे दिल में यीशु आ गया, ओ मेरे दिल में यीशु आ गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। ओ मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। अगर प्यार हो गया तो दुनिया
दुनिया के बातों में नहीं खोएंगे, आज यीशु के बातों में खो जाएंगे, अब यीशु से मन लगाएंगे। हालेलुया, हजारों के भीड़ में भी भीड़ आपको दबा नहीं पाएगी, भीड़ आपको गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि आप दीवाना उसमें खो जाएंगे, उससे कनेक्ट हो जाएंगे और वो अपनी बातें आपको बताएगा। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा जाते हैं, जो न करना हमको हम वो कर जाते हैं। छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा जाते हैं, जो न करना हमको हम वो कर जाते हैं। लेकिन वो मेरे दिल में यीशु आ गया। पहले से थे हम लोग, गुस्सा करते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, बेकार की बातें करते थे, लेकिन जब से यीशु आ गया, यीशु से मुझे प्यार हो गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार कर गया। सारे लोगों से तो प्यार करता है, जो उसे ढूंढता है वो उसे पाता है। वो सारे लोगों से वो प्यार करता है, जो उसे ढूंढता है वो उसे पाता है। तो मेरे यीशु आ गया। अपने दुखों को प्रभु को दे दीजिए, अपनी समस्या को यीशु को दे दे, और दीवानगी में होकर प्यार से उसके लिए सब कुछ करने के लिए। यीशु से मुझे प्यार हो गया, 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 यीशु से मुझे प्यार हो गया। हालेलुया, यीशु से मुझे। अब दुनिया की मुझे परवाह नहीं है। हालेलुया। एक स्टंजा मैं चाहूंगा कि मैं अपने तरफ से ऐड कर दूं इसमें, ताकि आप लोग अच्छे से डांस कर पाए। ठीक है, रेडी है? yes. रेडी है? yes. हालेलुया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। ओ मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। अब मुझको तो किसी की परवाह नहीं, मैं उसके लिए तो चुम के नाचूंगा। अब मुझको तो किसी की परवाह नहीं, अब मैं तो चुम के नाचूंगा। मेरे दिल में यीशु आ गया, ओ मेरे दिल में यीशु आ गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, यीशु से मुझे प्यार हो गया, यीशु से मुझे प्यार हो गया, यीशु से मुझे प्यार हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू। यीशु मसीह से क्या हो गया है? और जिस दिन प्यार हो जाएगा ना, वो अपनी सारी बातें खोल खोल कर बताएगा। आपको पता है सीक्रेट बात किसको बताते हैं? सीक्रेट बात किसको बताते हैं? जिसे हम प्यार करते हैं। समझ गए कि नहीं? सीक्रेट बात उसी से बताते हैं जिससे हम ए सैमसन, ए सिमसोन,
बता ही दिया तुमने सारी सीक्रेट। हाँ क्या करूं, दलीला से जो प्यार हो गया तो उसको बताना ही पड़ गया। खुदावन से अगर प्यार हो जाएगा, खुदा आपको अपनी बातें खोल खोल कर बताएगा, खोल खोल कर बताएगा। हालेलुया। प्यार तो कर लो उससे, वो तो पहले ही से हमें प्यार करता है, हमें भी तो प्यार होना चाहिए। एक तरफा प्यार अच्छा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसहाक ने काम कर दिया। मैंने कहा अगर आप सही से परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप जान लो अपने गुरुओं से, अपने टीचरों से, अपने बॉस से भी ज्यादा बुद्धिमान निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भजन संहिता उसके 119 के 99 में, थैंक यू जीसस, 119 का 99 जल्दी से। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। ओहो ओहो ओहो, जरा सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे क्या? अच्छा चलिए, मेरे पीछे बोल देंगे सब लोग ताकि आप ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। सो भी पढ़ेंगे, मैं पुरनियों में भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। ओ मतलब पुरनियों से भी ज्यादा समझदार हूँ, बाप रे, एल्डर से भी। माय गॉड, कोई कह रहा है भाई मैं ना बहुत साल से पुराना विश्वासी हूँ, आप कह रहे हो मैं आपसे समझदार हूँ क्योंकि मैं प्रभु के चितौनियों को पकड़े हूँ, उसकी बातों को पकड़े रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ए आप अपने शिक्षक से बुद्धिमान हो। मैंने एक ऐसे लड़के को देखा था अपनी 10वीं क्लास में, भाई ऐसा लड़का था वो कि टीचर पढ़ाना चालू करता था। मान लीजिए अभी जुलाई में स्कूल खुला, जब भी स्कूल खुली टीचर मैथ पढ़ाना चालू करता था तो उसका मैथ का रिवीजन होता था उसके साथ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैथ टीचर पढ़ाना चालू करता था, उसका कई बार मैथ का रिवीजन हो चुका होता था, और जब टीचर को नहीं समझ में आता था तो वो स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता सर ऐसे होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप उसकी चेतावनियों पर ध्यान लगाते हो? क्या आप उसकी बातों की ओर मन लगाते हो? तो आप अपने शिक्षकों से भी ज्यादा बुद्धिमान निकल जाओगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है और ये होकर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको बुद्धि देता है। कौन देता है? परमेश्वर देता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन और पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। भजन एक के एक, उसका 2-3 पढ़ देंगे, एक का एक आप जानते हैं लेकिन 2-3 पढ़ देंगे। भजन एक उसका 2 और 3 पर, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दूसरों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। हाँ, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। जी हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। जी हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। क्या करता है? क्या करता है? कब कब करता है? संडे में 3 घंटे, रात दिन उस पर ध्यान दिए रहता है। इसलिए कह रहा है कि वो ब्लेस्ड व्यक्ति है, इसलिए वो आशीषित व्यक्ति है, क्योंकि यहोवा की बातों पर, चितौनियों पर, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देते रहता है। कहीं मैं गलत ना करूं, कहीं मैं टेढ़ी रास्ते में ना चलूं,
कहीं मैं बुरे लोगों के साथ ना बैठूं। आज तो हम ऐसे लोग हो गए हैं कि कहीं भी बैठवा लो, ठट्ठा करने वालों में बैठवा लो, झूठ बोलने वालों में बैठवा दो, गाली देने वालों में बैठवा दो, शराब पीने वालों में बैठवा दो, लेकिन परमेश्वर मुझे आशीष देना दो। ये आज प्रार्थना है लोगों की कि आशीष जरूर देना प्रभु, लेकिन कहता है कि ब्लसड वही लोग हैं जो बुरी संगति में नहीं बैठते हैं और जो परमेश्वर के वचन पर रात दिन मनन करते हैं, मनन करते हैं, वो ब्लसड लोग हैं, वो आशीषित लोग हैं। ब्लसिंग केवल पैसे से नहीं होती है, ब्लसिंग अच्छे हेल्थ से भी होती है, ब्लसिंग अच्छे परिवार से भी होती है। मान लीजिए हेल्थ अच्छा है, पैसा अच्छा है, बच्चे ही नहीं है तो क्या करेंगे, आपकी ब्लसिंग अधूरी है। हालेलुया। ब्लसिंग के लिए मैं कभी बताऊंगा 7 बातें, अगर सब होती है तो आप ब्लसड लोग हैं। हालेलुया। केवल पैसा मिल गया तो आप ब्लसड नहीं है, केवल आत्मा से भर गए तो ब्लसड नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ब्लसड व्यक्ति बनाती हैं। रात दिन ध्यान दिए रहता है, इसलिए वो व्यक्ति ब्लसड है। और वो व्यक्ति ऐसे है जैसे कि नदी के किनारे लगा हुआ पेड़। हालेलुया। बारिश हो या ना हो, पर जो नदी में पानी बह रहा है उसके से उसको जल मिलता है और वो हमेशा हरा भरा रहता है, चाहे बारिश हो या ना हो, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए तो भी उसको पानी मिल रहा है, वो समय पर फल लाएगा, सूखेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम ऐसे व्यक्ति, हमें परमेश्वर बनाना चाहता है। भजन 104 और उसका 34 पद, भजन 104 उसका 34 पद, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। मेरा मनन करना उसको प्रिय लगे। हालेलुया। मनन करना मतलब सही बातें आप सोचते हो। मनन में मैंने कहा संसार के हर व्यक्ति मनन करता है, संसार का हर व्यक्ति क्या करता है, पर कुछ लोग गलत करते हैं मनन और कुछ लोग सही मनन करते हैं। हालेलुया। तो अगर कोई परमेश्वर की बातों में, अच्छी बातों में मनन करता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर उसके ध्यान को देखेगा, सुनेगा। 143 का 3 पद, भजन 143 का 3 पद, शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है। हाँ। उसने मुझे फूट करके मिट्टी में मिलाया है। हाँ। और मुझे बहुत दिन की मरे हुए की समान मेरे स्थान में डाल दिया। 63 का 6 पढ़ेंगे, 143 पढ़ रहे थे हम लोग, 63 का 6 पढ़ेंगे, 63 का 6 पद, जब मैं बिछोने पर रात तेरे स्मरण करूंगा। हाँ। तब रात के एक एक पहर में तुम पर ध्यान करूंगा। बिछोने पर जब जाऊंगा परमेश्वर तो रात भर मैं तेरा मेडिटेट करते रहूंगा। आमीन। हालेलुया। तेरी बातों पर मनन करता रहता हूँ। लेकिन आज लोग बैठकर अपनी समस्याओं पर मनन कर रहे हैं, हाय कर्जे से कैसे निपटेंगे, हाय कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, हाय अपनी बीमारी से कैसे छूटेंगे, हाय बीमारी तो जाती नहीं है, है ना। मेरी नानी जी, तो मैंने बताया था, वो एक शब्द बोली थी, मुझे आज भी याद है कि अब ये तो बीमारी काठी पर ही जाएगी। हालेलुया। काठी समझते हैं, मतलब ये लाठी भी काठी पर ही अब छूटेगी, मतलब सोच रही है मरने के बाद ही ये बीमारी छूटेगी। परमेश्वर मरने से पहले आपको चंगा करके इस संसार में रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर मुर्दों का नहीं जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, मरने के बाद उसका धन्यवाद कौन करेगा, इसलिए जीते जी चंगाई देगा, जीते जी आपको छुटकारा देगा, जीते जी अपने बड़े चमत्कार को आपके लाइफ में दिखाएगा।
ताकि आप जान लो और दूसरे भी जान ले कि यहोवा परमेश्वर है, कोई यीशु मसीह है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इसीलिए यहोशू को परमेश्वर ने बोला था कि मनन कर, क्या कर? मनन कर, मनन कर, मनन कर, मनन कर। और यहोशू लास्ट में कहता है, तुम लोग प्रभु की सेवा करो या ना करो, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया, क्योंकि मेरा मन न वचन पर है, इसलिए मुझे पता है ये वचन सत्य है। तुम सेवा करो इसराइलियों या मत करो, मैं और मेरा घराना। जब आप प्रभु के वचन पर ध्यान देते हैं, जब वचनों पर मन लगा देते हैं, आपका आपका सारा काम इसके अकॉर्डिंग होने लगता है। आपके बड़े बड़े चमत्कार भी इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, आपके लिए बड़े बड़े रास्ते भी इसी के अकॉर्डिंग खुलते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार मैं तेरे लिए हो जाए। जब इसको ज्यादा पढ़ेंगे तो इसी पर विश्वास करेंगे, जब इस पर विश्वास करेंगे तो ऐसा चमत्कार भी होना चालू हो जाए। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। पास्टर जी, लेकिन करें कैसे मेडिटेट? हल्ला बड़े मचाते हैं घर वाले, बच्चे हल्ला मचाते हैं, पत्नी हल्ला मचा रही है, पति हल्ला मचा रहा, करे तो करे क्या? कुछ बातें मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि आप मनन कैसे करें। बेहतर तो ये होगा कि आप जब लोग सो जाते हैं तब मनन करें, 12 बजे के बाद, 12 से 4 बजे कभी भी उठकर आप मनन करें, क्योंकि उस समय शांत रहता है। पर जिसके घर छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो वह रात को ही गाना गाता है। हालेलुया, दिन में सोते रहता है और रात को गाना गाते रहता है। तो मैं सोचता हूँ सबके घर तो ऐसा नहीं है, तो उनके लिए अलग तरीका बता दूंगा। अब रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, वो समय कभी का समय चुन लीजिए और उस घड़ी आप उठकर मनन कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर पास्टर जी, मनन ही नहीं होता, क्योंकि ना वो पुरानी बातें ना, जब आप मनन करने बैठोगे आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि पुरानी सारी बातें, बाकी समय तक तो वो आपके अंदर विचार नहीं आए, लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना में बैठे, जैसे ही मनन करे, वो सारी पुरानी बातें आपके मन में आएंगी। वो भी हुआ था, ये भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था, ये भी हुआ, ऐसा भी हुआ। आपको कि अब मनन क्या करूं, मैं तो सब वही सोच रहा हूं जहां से मैं निकला हूं। हालेलुया। तो नंबर एक, आपको जब मनन करना है तो तुरंत आप मनन करना ना प्रारंभ कर दें, पर आप उठे, थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करें, ब्रश करें, आंख मुंह धोएं, जो भी है, ताकि आपको नींद ना आए, एक दो गाने सुने। क्या करें? एक दो गाने सुने। कैसे गाने सुने? मैंने बताया था, जो गाना आपको सबसे ज्यादा फेवरेट है वही गाना सुने। मतलब जिस गाने को सुनते ही आपके अंदर हलचल मचने लगती है, ऐसा गाना सुने। हालेलुया। जब कोई प्यार करता है ना, तो जब वो उसको कहते हैं कि उसको उसका दिल टूट जाता है, तो उसको सबसे अच्छे गाने कौन से लगते हैं? वही। तो मैं प्रभु में नहीं था ना, तो मैं देख रहा था दुकानों पर, पहले हम जाते थे कैसेट खरीदने के लिए, गाना सुनने के लिए, तो दर्द भरे गीत। इनके दर्द भरे गीत है ना, और ऊपर में और भी, मतलब जैसे आजकल YouTube में लिखा रहता ना साइड में, वो बनाते हैं कि जो प्रेमी का दिल टूटा है, वो भी लिख देते हैं। तो खूब गा सुन रहे हैं लोग, खरीद के ले जाते हैं, दिल टूट गया, खूब सुन रहे हैं, दिन भर चला रहे हैं सीडी प्लेयर, फिर पागल भी हो जाते हैं कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, दिन भर सीडी प्लेयर चला रहे हैं ऐसे। सुनिए, जो गाने आपके आपको अच्छे लगते हैं और जो गाना आपके लिए है, मतलब वो गाना सुनते ही आपके मन में बड़ा आनंद, उन्नत, आपका उत्साह आ जाता है, उस गाने को सुनिए। उस गाने को क्या कीजिए? सुनिए। और जब आप उस गाने को सुनेंगे तो थोड़े देर, एक दो बार सुनेंगे, आपका मन सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इधर इधर देखिए, सब लोग उधर छोड़ दीजिए, जो पीछे हैं कर लेंगे,
क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, मतलब आपका माइंड धीरे धीरे वो जो पुरानी बातें आ रही थी थोड़ा सेट हो जाएगा। फिर अगर आपको इतने में भी सेट नहीं हो रहा है तो थोड़े देर वचन पढ़ लीजिए। क्या कर लीजिए? वचन पढ़ लीजिए। अब आपको समझ में आ गया कि मेरा माइंड सेट है और धन्यवाद कर रहे हैं, फिर आप मनन करना चालू करो, वचनों पर मनन करना चालू करो, उसकी चितौनियों पर मनन करना चालू करो, उनकी बातों पर। पास्टर जी मुझे वचन ही नहीं आता है, तो मैं वचन पर क्या मदद करूं? है ना, ये भी सवाल आएगा। पहली बात की वचन पढ़ो। दूसरी बात, अगर आपको वचन नहीं भी आते हैं, आप नए प्रभु में आए हैं, आप अनपढ़ हैं, नहीं पढ़ पाते हैं वचन, तो क्या करें? आपको कुछ बातें लिख लेनी है। लिख लेनी मतलब अपने मन में फिक्स कर लेना है, जैसे यीशु मसीह का नाम, जैसे यीशु का नाम। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इतना ही बोलना है, यीशु आपका धन्यवाद। क्या बोलना है? यीशु आपका धन्यवाद। कितनी बार बोलना है? आप लंबे समय धन्यवाद करते रहो, आपसे वो बात करने लगेगा, जैसे आप कनेक्ट होंगे वो आपसे बात करने। कुछ नहीं बोल रहे हो आप, केवल बोल रहे यीशु मसीह आपका धन्यवाद, क्योंकि ये बात आपके मन का कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया है। क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्या हो गया है? कॉन्टेक्ट पॉइंट कैसे हो गया? कितने लोगों को मैंने बताया था, कितने लोगों को अगर गधा बोल दो तो वो मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर बहुत सारे लोगों को गधा बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पता है मैं तो गधा हूं नहीं, वैसे इसके कहने से कुछ फर्क पड़ता। लेकिन कितने लोगों को अगर बोल दो तो आप देखो कि मारने के लिए उतारू हो जाएगा। हालेलुया। जिस व्यक्ति को जो वर्ड माइंड में प्रिंट हो गया है, जिसको बोलते पिंच हो गया, चुभ गया है, चाहे उनके मम्मी पापा के बोलने के कारण, चाहे उनके दोस्तों के बोलने के कारण, चाहे उनके रिश्तेदारों के बोलने के कारण, वो चुभ गई है बात। गधा, मूर्ख, दुष्ट, निकम्मा, कोई भी बात चुभ गई है। अगर वो बात कभी भी कोई बोल दे उसको, तो देखना फिर क्या हाल होता है, क्योंकि वो उसके माइंड में क्या हो गया है? रेंट हो गया है। अब वो उसके हृदय में कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है वहां पे, जैसे ही बोला जाएगा वो तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, वो फुर्र से काम करने लगेगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए? वैसे ही जब यीशु का नाम पर आप मेडिटेट करते हो और वो आपके हृदय का हिस्सा बन जाता है मेडिटेशन, जैसे ही आप यीशु का नाम लोगे, आपके दुनिया भर की बेकार की बातें चल रही थी ना, वो तुरंत हट जाएंगे और आप यीशु से कनेक्ट हो जाएंगे, इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएंगे। हालेलुया। क्यों कनेक्ट हो जाएंगे? इसलिए कि आपने उस बात को अपने मन का हिस्सा बना लिया है। आप पढ़े लिखे हो या ना हो, पर आपने यीशु के नाम को हिस्सा बना लिया है। जब आप उसका नाम लोगे, सारी बाधाएं हट जाएंगी। दूसरा शब्द यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह का लहू है। क्या है? यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह का लहू। आपको कुछ नहीं बोलना है, ज्यादा नहीं आता है, नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं याद होता है, भुलक्कड़ है, तो कुछ मत करो, यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह का लहू ले लो। आपको केवल मनन करना है, बैठकर यीशु मसीह के नाम की जय और यीशु के लहू की जय। आपको प्रार्थना भी नहीं आती, आप मनन करो इस बात पर, यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु के लहू की जय। आप रोज बोलो, रोज बोलो, रोज, ये आपके जीवन का कॉन्टेक्ट पॉइंट हो जाएगा। जिस घड़ी ये आदत बन गई, आप बोलोगे तुरंत यीशु से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इंग्लिश में जानते हैं तो कुछ नहीं बोल सकते, तो थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस। क्या बोलना है? थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस। ये इतना बार बोलते रहना अपने मन में कि आपकी आदत हो जाए, फिर आप पाओगे, आप बहुत चिंता में हो, आप बड़ी परेशानी में हो, आप प्रार्थना में बैठकर जैसे ही बोलोगे थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस, आपकी चिंताएं तुरंत गायब हो जाएंगी, क्योंकि आप कनेक्ट हो जाएंगे उसके साथ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
मैंने कल मैं शेयर कर रहा था वचन, तो मैंने एक बात बताई थी कि मेरा एक छोटा भाई था, वो एक्सपायर हो गया, प्रभु में सो गया था। तो मुझे बड़ी चिंता होती थी क्योंकि जिसके साथ हम हमेशा रहते हैं और वो हमें छोड़कर जाता है तो बहुत बार बार याद आती है कि नहीं, बार बार वो बातें सताने लगती हैं। तो मुझे बड़ी मतलब उसकी याद आ जाती है। और मैं उस समय टीचर था अमृतसर में, और मेरा जो रूम था मैं अकेले रहता था क्योंकि मेरा उस समय विवाह भी नहीं हुआ था। तो अकेले हैं और चिंता भी है, अकेले भी है और चिंतामणि भी साथ में, तो दो लोग हो गए तो और परेशानी है क्योंकि वो चिंतामणि है, समझ गया कि नहीं। और मैं चिंता करते रहता और जब भी उसकी याद आती मुझे तो बड़ा मेरा हार्ट बीट हाई हो जाता और बहुत सारी बातें मेरे मन में चलना प्रारंभ हो जाती थी। एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ, ऐसा बेचैनी है, घबराहट हुई, ये बात मैंने शेयर नहीं किया था पहले कभी, इतनी ज्यादा खून की उल्टी हुई कि मैं तो लाइट जलाने से डरने लगा। तो मेरा स्टूडेंट को मैंने फोन किया, मैंने कहा जल्दी आ जाओ, दानियल नाम था उसका, मैं दानियल मेरे रूम में आ जाओ जल्दी से। वो जल्दी से आया मेरे रूम में, मैंने कहा लाइट नहीं जला क्योंकि मुझे पता है कि मैंने खून की इतनी उल्टी की है कि मैं देख भी नहीं सकता। और मेरे मन में आ गया कि बचने वाला नहीं हूँ। फिर मेरे मन में आवाज आई, मैं तेरे साथ हूँ, तू नहीं मरेगा। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं। इवन दो जो वहां के बॉस थे ना, वो डर गए कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। सुबह आके कह रहे ब्रदर जी क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा है, जो हो गया तो हो गया। प्रभु मैंने पूछा प्रभु मैं क्या करूं, इस चिंता से कैसे निकलूं, निकल नहीं पा रहा हूं। प्रभु ने कहा सिंपल सा तरीका है, बहुत सारे गाने डाउनलोड कर, बहुत सारे परमेश्वर के वचन डाउनलोड कर, सिंपल सा कान में लगा और गाने सुनते रहो और गाने गुनगुनाते रहे। मैंने उस दिन से अपने फोन में डाउनलोड किया गाने, हालेलुया। और एक पास्टर थे उनका मैं वचन सुनता था, वो वचन 24 आवर्स, जब मैं खाली रहता था तो मेरे कान में लीड लगी रहती थी और मैं गाने सुनते रहता, सुनते सुनते सुनते। इवन तो मैं सोता था ना तो मेरे कान में लीड लगी रहती थी और फोन बगल में रख के मैं सो जाता था। और रात में पता चला मैं गाने गा रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये कर रहा हूँ, मैं गानों में खो रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद चिंता ने कहा भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। चिंतामणि बोले अब नहीं, मेरा काम आपके पास नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड, निकल जाओ यहाँ से, तब से लेकर चिंता मुझे नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनन कहाँ करते हैं, मन किस पर लगाते हैं, मायने रखता है। माइग्रेन नहीं जाता है, चिंता बहुत होती है। मैंने कहा सिंपल सा, यीशु का नाम, यीशु का लहू लो, थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस बोलो। कुछ नहीं आता, यीशु मसीह धन्यवाद बोलो। कुछ नहीं आता है, हालेलुया, गाने सुनना चालू कर दो प्रभु को। चलते फिरते उठते बैठते खाली हो, प्रभु की महिमा करना चालू करो। शैतान आपके मन से, आपके शरीर से, आपके घर से छोड़कर भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर जी प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन घर में परेशानी होती है, घर में आवाजें आती हैं। सिंपल सी बात है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड ले लीजिए, मतलब गाना ना चले पर म्यूजिक चले, है ना, इंस्ट्रूमेंट चले, वैसे गाना ले लीजिए। बहुत सारे इंग्लिश गाने आते हैं और आपने डाउनलोड कर लिया और उसको कान में लगा लीजिए, इतनी आवाज में रख लीजिए कि बाहर की आवाज आपके अंदर ना आए। और आप अकेले बैठ जाइए और जो इधर हवा आवाज कर रहे हैं करने दीजिए, आंख बंद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? आंख बंद कर लीजिए। एक और तरीका बता रहा हूँ, जब आप बैठ गए और आवाज थोड़ी मोड़ी इधर से आती है, कान में आपने लीड लगा लिया, म्यूजिक लगा दिया, तो आप लाइट ऑफ कर लें रात में। क्या कर लें? क्या कर लें? लाइट ऑफ कर लें।
फिर मनन करना चालू कर दे, फिर धन्यवाद करना चालू, फिर वचन को बोलना चालू कर दे। अगर आप ऐसा करना चालू कर दोगे तो बहुत जल्दी आप प्रभु से बात करना चालू कर दोगे और प्रभु आपसे बात करना चालू कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के भीड़ से, उनकी आवाजों से आपको बचना है, निकलना है, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा।